नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, फील द चेंज। खबरें वही जो हो सही। लोकसभा चुनाव के अपक्ष उम्मीदवार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। हालांकि सुरेश म्हात्रे ने कहा कि मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं मात्र भाजपा के दिए हुए उम्मीदवार कपिल पाटिल का विरोधी हूँ। देखो, पहले तो जो भी मैंने अर्जी दाखिल किया था, जो भी 5 साल में शिवसैनिकों के ऊपर झूठा केसेस दर्ज किया गया, जेल भेजा गया, जो भी काम में कई के ऐसे काम है जहाँ हमारे लोगों ने डिपॉजिट भी भरा था, वो भी काम दादागिरी से कपिल पाटिल ने छीन लिया। हमारे लोगों को 5 साल में हर पल अपमानित करते रहे और एक हद भी उन्होंने तोड़ दी कि जहाँ का शिवसेना का भगवा ध्वज है वो भगवा ध्वज भी उन्होंने जलाया। और इसी के कारण जो हमारे शिवसैनिकों के मन में जो द्वेष था, भले कोई नहीं बोल पाए, पर वो मैंने वही राग वही द्वेष मेरे अर्जी भरने के माध्यम से सबको डिक्लेयर कर। हो सकता है कई बार पॉलिटिशियन ने अपने खुद के मर्जी के खिलाफ भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो मुझे ये पता नहीं है ये डिसीजन लिया गया। पर इतना जरूर है कि हमारे पक्ष प्रमुख जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे और हम लोग उनके आदेश का पालन करेंगे। 2-4 दिन के बाद डिक्लेयर करूंगा। फिलहाल तो इतना है कि मैं कपिल पाटिल के खिलाफ हूँ, कपिल पाटिल के खिलाफ रहूंगा। इतना ही खाली आपसे डिक्लेयर नहीं किया, मेरे को संपर्क प्रमुख पद से हटाया है। घर हमारे पक्ष प्रमुख बोलेंगे, सभापति पद का इस्तीफा दो, घटने का तो वो भी मैं देता हूँ। मैं पोस्ट के लिए लाचार आदमी नहीं हूँ, पर जिन्होंने मेरे शिवसेना के खिलाफ इतना कुछ गलत किया है, मैं बोला ना हम लोग को अपमानित किया अलग बात है, हम लोग के ऊपर झूठा केस दर्ज किया अलग बात है, हम लोग का काम चल गया अलग बात है, पर हमारा ध्वज भी जिसने जलाया उसके पास कभी बाल्या मामा कॉम्प्रोमाइज नहीं। सर मतलब शिवसेना का दामन नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं, मैं शिवसेना में हूँ और शिवसेना में ही रहूँगा। और यही बोलता हूँ, हमारे बाला साहब हमेशा बोलते थे शिवसेना में 2 ही पद सबसे बड़े हैं, एक तो शिवसैनिक और दूसरा बाला साहब, शिवसेना प्रमुख। और मैं तो शिवसैनिक हुई। एक बात बोलूँ क्या है, ये तो मैंने ही बोला कि मैं एक मौनी बाबा था, एक चैनी बाबा था। अरे मौनी बाबा ने 5 साल में कम से कम बिल्डरों को या आम जनता को तकलीफ तो नहीं दिया, पर चैनी बाबा ने क्या किया? ये आपने देखा है ना, सबका साथ खुद का विकास। जो शिवसेना वालों को जितना सताया है, हम लोग शिवसेना वालों के मतलब हमारे शिवसैनिकों के मन में एक द्वेष है, द्वेष, नाराजगी नहीं। नाराजगी तुम किसी की भी दूर कर सकते हो, पर किसी के मन में जब द्वेष हो जाता है, जहर फैल जाता है, वो तुम दूर नहीं कर सकते। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। धन्यवाद।